सांबर शरीफ स्थित हजरत ख्वाजा हिसामुद्दीन जिगर सोख्ता के उर्स में अंजुमन सैयद जादगान की ओर से चादर पेश करने के लिए शुक्रवार को दरगाह शरीफ से जुलूस की शक्ल में चादर का जुलूस रवाना हुआ। अंजुमन सैयद मोइनिया फकरिया खुदा में ख्वाजा कन्वीनर हाजी सैयद मोहम्मद हुसैन और हाजी सैयद फैज अलम नियाजी ने बताया कि बैंड बाजे और ढोल ताशों के साथ चादर का जुलूस सांबर के लिए रवाना हुआ, जहां शनिवार सुबह शक्कर की कोठी मजार शरीफ से जुलूस की शक्ल में ख्वाजा हिसामुद्दीन जिगर सोख्ता की मजार पर पहुंचकर चादर पेश कर दुआ की जाएगी। इसके बाद लंगर तकसीम किया जाएगा। ये चादर शरीफ सांबर शरीफ जा रही है हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह के पोते हजरत ख्वाजा हिसामुद्दीन सोख्ता रहमतुल्लाह लेके। हम तमाम खुदामीन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के जितने खातिम हैं, तमाम लोग वहाँ पर हाजिर होके ये चादर शरीफ कल सुबह 10:30 बजे सांबर शरीफ से चढ़ाई जाएगी। तमाम खुदामीन हाजिर होंगे और तमाम खुदामीन के लिए दुआ खैर की जाएगी। ख्वाजा साहब के पोते हजरत ख्वाजा हिसामुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के दरबार में ये चादर जा रही है। हुजूर गरीब नवाज के दरबार खुदा में ख्वाजा ये चादर को कल सुबह 10:30 बजे सांबर शरीफ में पेश करेंगे और तमाम आलम इस्लाम के लिए हर हिंदू मुसलमान के लिए दुआ करेंगे और हमारे मुल्क में अमन चैन रहे, वही पैगाम लेके ये चादर जा रही है। नया बाजार पुरानी मंडी स्थित हजरत पीर बुरहानुद्दीन कादरी चिश्ती का 2 दिवसीय उर्स मुबारक शुक्रवार को कुल की रस्म के साथ संपन्न हुआ। खिदमत गुजार चाचा अब्दुल रहीम ने बताया कि 12 रजब को बाद नमाज फजर कुरान खानी हुई। इसके बाद असर की नमाज के बाद मजार शरीफ पर चादर पेश की गई। बाद नमाज मिलाद शरीफ पढ़ी गई। रात में कव्वाली का प्रोग्राम हुआ। शुक्रवार 3 बजे कुल की रस्म के साथ महफिल कव्वाली का आयोजन किया गया। इसके बाद सलातो सलाम पेश किया गया। आखिर में उर्स में शरीक तमाम अकीदतमंदों को तबर्रुख बांटा गया। हज़रत बुरहानुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह सरकार का आज उर्स मनाया गया और रात को महफिल मिलाद पढ़ी गई। सुबह बाद नमाज जुमा चद्दर पेश की गई। उसके कबल आज कुल का रंग है। कुल के रंग की फातह के बाद फिर सलातो सलाम होगा। उसके बाद अकीदतमंदों को तबरुक बैठ के जाएगा।